अपना स्वार्थ पूरा किया, और स्वार्थ पूरा करके उनको धक्का देना कहूं, क्या शब्द कहूं, घर से निकालना कहूं, उस वृद्धाश्रम के अंदर भेजना कहूं, ये स्थिति हो जाती। एक बात पीछे कई वर्ष हुए, काफी चर्चाओं में आई, काफी चर्चाओं में आई, और वह यह थी कि एक माता उसका बेटा था, पिता बेटे के जो पिता थे वो गुजर चुके थे। उस मां ने अपने बच्चे को बड़ी मेहनत करके पढ़ाया, उसकी नौकरी भी लग गई, विवाह भी हो गया। माता को बड़ी खुशी थी कि मैंने सारे काम पूरे कर दिए, अब तो कहना चाहिए कि वे सुख के दिन आए हैं, ये सब कुछ हो गया। परंतु बेटा अपनी तरक्की की धुन में था और वह विदेश में चला गया, परिवार को ले गया, मां को कह दिया आपको भी ले जाएंगे, मां को यह कह दिया। ये एक घड़ी हुई बात नहीं है, घटित घटना है, समाचार पत्रों में खूब इसकी चर्चा आई थी, पढ़ने में आई थी। उसने वहां मकान लेने की सोची, उसके लिए कुछ पैसे की जरूरत थी, और उसे ये लगा अगर मैं अपना मकान जो भारत में है या राजधानी में उसे बेच दूं तो मेरा ये काम पूरा हो जाए। वो भारत आया और बोला मां तेरे को चलना है विदेश में। बोले अच्छा, वो खुश हुई, चलो अपने बच्चों के पास में रहूंगी, बहुत अच्छा लगा उसे। बोले फिर जब वहां चली जाओगी तो यहाँ किसना आना है, और कोई अड़ोसी पड़ोसी कब्जा करेगा अपने घर के ऊपर, फिर क्या करें। बोले इसको बेच देते हैं, झूठ बोली, और उसको मानसिक रूप से तैयार कर लिया, और अंततः उस मकान को बेच दिया, पैसे सारे बेटे के पास, और माँ को लेकर के चल पड़ा। हवाई अड्डे के ऊपर आया, माँ को बैठा दिया, बोले मैं तेरी टिकट जो कन्फर्म करवा दूं जो भी कुछ है, और वह हवाई जहाज में बैठ के चला गया, माँ को वहीं छोड़ गया। अखबारों में आई थी ये बात, आपको किसी को ध्यान है या नहीं है, खूब से चर्चा हुई थी, आई थी ना, खूब से चर्चा हुई थी इस बात की। वो बेचारे इंतजार में देखे, अभी आएगा। वहां के कर्मचारियों ने कहा कि भी माता जी आप यहाँ क्यों बैठी हुई हो, यहाँ तो ठीक है यात्री आते हैं और फिर हम जो जाने वाले चले जाते हैं, बाकी अपने वापिस चले जाते हैं, आप। बोले मेरा बेटा मेरी टिकट कन्फर्म करवाने गया है। कौन है, किसकी, कहाँ, क्या बात, किसी ने पूछा थोड़ा सा। बोले वहाँ जाना, बोले वहाँ का जहाज तो चला गया। बोले नहीं मेरा बेटा ही, फिर उसमें नहीं गया होगा, दूसरा को जा तलाश किए खोजा गया, वो तो जा चुका था। अब वो बेचारी कहाँ जाए, मकान जो था वो बेच दिया, किसके जाए, सिवाय रोने के। और बताओ क्या उसके पास बचा हुआ था, संतान ऐसे भी हैं दुनिया में, माता पिता को ऐसे भी दुख देने वाले हैं, कोई सीमा नहीं है इस संसार में ऐसे ऐसे दुख देने वालों के। यहां तो कह रहे हैं जो अपने माता पिता की सेवा करता है, सुन लो समझ लो उस बात को, जो माता पिता की सेवा करता है, यहां तो बड़ा खोल कर कहा, समय पर भोजन देता है, शरीर संबंधी सारी दिक्कतों को दूर करता है, उनका बहुत बहुत ख्याल रखता है, हर तरह से उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देता, तो पूछा गौतम ने भगवान बदला उतर जाएगा। भगवान ने कहा इतने से नहीं। बोले और अगर वह पुत्र, अब आप सुन लो बदला उतारने की बात, अगर वह पुत्र अपने माता पिता को धर्म से जोड़ता है, उनको धर्म सुनाता है, धर्म बताता है, धर्म सुनने के लिए वह उनका सहयोगी है, सहयोगी बनता है और कहता है
चलो मैं आपको धर्मस्थान में छोड़ के आता हूँ, आप सुन लेना, आपका नाश्ता हो गया, आपके कपड़े बदल लिए, आपका सारा काम हो गया, अब चलो यहाँ क्या करोगे, अब चलो धर्मस्थान में। अगर वह उन्हें धर्म उपलब्ध करवाता है तो ऐसा बेटा अपने माता पिता के उपकार से उऋण हो सकता है। जो इस तरह से उनकी सेवा करे और उनको धर्म उपलब्ध करवाए और धर्म ध्यान में सहयोगी बने, वह उससे उऋण हो सकता है। ऐसी पहली बात बताई, भगवती सूत्र की बात बता रहा हूं, शास्त्र की बात बता रहा हूं, इधर उधर की बात कोई नहीं बता रहा बंधुओं। और उन दो के बाद उसकी चर्चा आगे, आज की चर्चा यहीं तक करते हैं और अब देखते हैं कि हमारी कथा में आगे क्या वर्णन और क्या बात होती। पूर्व कथा को स्मृति में लाएंगे कि जब गुरुदेव श्री भद्रबाहु ने स्थूल भद्र को विद्या दान देने से इनकार कर दिया, मैं अब तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकता, बहुत अनुनय की। गुरु ने कहा प्रश्न तुम्हारा नहीं है, प्रश्न यह है कि जो कुछ हुआ इस बात का सूचक है कि अब जो ज्ञान है उसकी पात्रता खत्म हो गई। तेरे जैसा व्यक्ति और जब ऐसा कर सकता है, और दूसरा तो कोई उदाहरण ही नहीं है। 500 आए थे पढ़ने के लिए, पढ़ ही नहीं पाए, एकमात्र तू था, और तूने भी आज ऐसा प्रस्तुत करके बता दिया कि विज्ञान की सीमा बस इस काल में, इस समय में यहीं तक है। बेचारी निराश होकर के शूलभद्र मुनि वापिस आ गए। एक बार तो संग में बड़ी खुशी हुई कि शूलभद्र आ गए, ज्ञान प्राप्त करके आ गए। और जब उन्होंने संघ को, गुरुओं को, सबको बात बताई कि ऐसे हुआ मेरे साथ, गुरु ने पढ़ाने से इनकार कर, सबको दुख हुआ। बोले यही एक मुनि है जो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अब तो ज्ञान समाप्त हो जाएगा। फिर तब संघ के जो मुख्य लोग थे वे उनको साथ लेकर पुनः गए नेपाल, और वहां जाकर संघ ने प्रार्थना की, गुरुदेव यही एकमात्र है इस युग में, आप इनको ज्ञान दान देने की कृपा करो। उनको भी यही बात कही कि मुझे इनकार नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊं, मैं तो पढ़ा ही रहा था, मैं तो मना कर ही नहीं रहा, लेकिन मैं करूं क्या, पात्रता खत्म हो गई, इसलिए जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो ठीक नहीं रहेगा, न इनको न औरों को ठीक ही नहीं रहेगा, इसलिए आगे नहीं पढ़ा सकता। संघ ने प्रार्थना की, गुरुदेव कृपा करो, कोई बात नहीं, गलती क्षमा, बोले गलती व्यक्ति रूप से होना तो मैं क्षमा कर दूं, कोई बात नहीं, ये तो मामला ज्ञान का है, करूं क्या। बहुत प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा चलो पढ़ा देता हूं, परंतु शब्द रूप से पढ़ाऊंगा, अर्थ रूप से नहीं पढ़ाऊंगा, अर्थ नहीं बताऊंगा। बोले चलो कुछ तो करो, कुछ तो हो बात, यहां से चर्चा। शेरे संग के विशेष आग्रह पर उनने गहन विचार किया, उनने गहन विचार किया, शेष चार पूर्वों के शाब्दिक वाचन का ही ज्ञान दिया। शूल भद्र या दस पूर्वों का सार्थ ज्ञान ये ले पाए, सार्थ ज्ञान ही ले पाए, शेष चार
शाब्द के ज्ञान कर पाए। स्थूल भद्र मुनि को 14 पूर्वों में से 10 पूर्व का ज्ञान सूत्र रूप से और अर्थ रूप से दोनों तरह से हुआ। गुरु ने पढ़ाया, गुरु ने बताया, इस तरह हुआ। शेष जो अंतिम 4 पूर्व थे उनका जो ज्ञान है वह शब्द रूप से हुआ, यानी मूल रूप से हुआ, सूत्र रूप से हुआ, अर्थ रूप से नहीं हुआ। इस तरह से गुरु ने उन्हें पढ़ाया और बताया। फर क्षणिक अहम विनोद के कारण स्थूल भद्र पछताते हैं। हाँ, स्थूल भद्र पछताते हैं। अंतिम क्षण तक सबसे ही वे ये ही कहते जाते हैं। भूल से भी क्षण भर को भी। इतना अध्ययन पूर्ण होने के बाद गुरुदेव भद्रबाहु स्वामी, स्थूल भद्र, उनकी साधना पूरी हुई, इनका अध्ययन इतना हो पाया, पुनः यहां भारत भूमि में लौट आते हैं। संघ में खुशी भी थी और संघ ने स्वागत किया, सब चारों ओर चर्चाएं थी। इस तरह से ये कथानक यहां तक पहुंचा और यूं अब गुरुदेव उन्हें कहते हैं, स्थूल भद्र अब तुम समझ लो, कभी विनोद नहीं करना, कभी हंसी नहीं करना, अहंकार नहीं करना। एक थोड़ा सा अहम भाव कितना बड़ा नुकसान कर गया, तुम्हारा ही नहीं संघ का नुकसान हुआ यह है। अब पूर्ण विनम्रता के साथ में तुम इस संघ की देख रेख करो, पालन करो, मुनि संघ को ज्ञान दे करके आगे बढ़ाओ। अब कथा की चर्चा यूं होगी। आर्य भद्र बाहु स्वामी ने सुरपुर को जब गमन किया, सुरपुर को जब गमन किया, महावीर निर्वाण सुसंवत 170 नाम दिया। युग प्रधानाचार्य पद वर्ष 45 शोभाया, वर्ष 45 शोभाया, महागिरि सुहस्ति शिष्यों ने गुरु नाम को दे पाया। भद्रबाहु स्वामी अब अंतिम समय निकट देख करके संलेखना संथारा ग्रहण कर लेते हैं और जाते हुए वे संघ का भार स्थूल भद्र मुनि को सौंप जाते हैं। स्थूल भद्र मुनि ने 45 वर्षों तक युग प्रधान आचार्य के पद के ऊपर विराजमान रहे और उन्होंने संघ का मार्गदर्शन किया, जिनकी चर्चा आगे चलेगी। उनके नाम आए हैं महागिरि और सुहस्ति नाम के उनके आगे शिष्य होते हैं जिन्होंने संघ का संचालन किया। अभी तो बात केवल चल रही है स्थूल भद्र मुनि की। स्थूल भद्र मुनि महावीर निर्वाण सुसंवत 215 संथारा, 215 संथारा, 15 दिन अनशन से मुनिवर स्वर्ग गए तज देकारा।
दश पूर्व सुत धारक थे वे, जिन शासन प्रचार किया, जिन शासन प्रचार किया। अष्टम पाटाचार्य जिन दिग दिगंत प्रसार किया, काल जय स्थूल भद्र स्वामी, काल जय स्थूल भद्र स्वामी, को हम नमन कराते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। अपने जीवन में जिन शासन के माति प्रभावना की स्थूल भद्र आचार्य ने, युग प्रधान आचार्य उनका पद था, और संतों में भी श्रावकों में भी प्रभुत्व उन्होंने जिन शासन की प्रभावना की, और अंतिम समय में 15 दिन का संथारा करके वे इस नश्वर देह को छोड़ करके देवलोकों की ओर गमन करते हैं, उनके बाद में संघ में कौन आचार्य बना, किन्होंने धर्म शासन आगे चलाया, ये चर्चा अब आप आगे सुनेंगे। बंधुओं, इतने समय से आपने स्थूल भद्र मुनि की चर्चा सुनी, ये चर्चा के साथ कुछ और भी चर्चा रह जाती है, जिनमें से एक चर्चा श्रीयक की है, जो पीछे मंत्री बने थे, इनके छोटे भाई थे, उनका क्या हुआ, उनके बारे में भी कुछ बातें होंगी, और फिर आगे जो आचार्य परंपरा चली उस आचार्य परंपरा की बात करेंगे। समय के साथ आप सब सुनेंगे, आज की चर्चा यहीं तक, मिलकर बोलेंगे।